हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट डिस्क। यानी आपको एक फाइनाइट डिस्क के कारण, चार्ज्ड फाइनाइट डिस्क के कारण एक्सिस के किसी सिमेट्रिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है एट अ सिमेट्रिकल पॉइंट। सो मान लीजिए ये एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है और इस डिस्क में सिग्मा डेंसिटी का चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको इस डिस्क के कारण एक्सिस के किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें कि एक बार पहले भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उस क्लिप में हमने इसे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके सिग्मा समेशन से सॉल्व किया था और सॉलिड एंगल की डेफिनेशन का यूज किया था इसे सॉल्व करने में। आज हम इस डिस्क को बहुत सारी रिंग्स से मिलके बना हुआ सिस्टम मान के सॉल्व करेंगे। तो कैसे ये सॉल्व होगा एक बार समझे। मान लीजिए सेंटर से वाई डिस्टेंस पर हमने एक रिंग तैयार की जिसका थिकनेस डी वाई है। तो सबसे पहले ध्यान दें, इस डी वाई थिकनेस की रिंग के कारण अगर हम इस रिंग का रेडियस वाई कंसीडर करें और इसकी थिकनेस को डी वाई, तो इस डी वाई थिकनेस की रिंग के चार्ज को डी क्यू मानते हुए इसके कारण इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, सबसे पहले हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां पर ध्यान दें कि मैंने इस डिस्टेंस को डी कंसिडर किया है ओ से पी तक, जो कि एक कांस्टेंट है। और अगर मैं इस डिस्टेंस जो कि रिंग के सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को पी से ज्वाइन करा रही है, इसे जेड मानू, तो जैसा कि हम जानते हैं बाय फॉर्मूला कि एक रिंग अपने सेंटर से डी डिस्टेंस पर और उसके सर्कमफ्रेंस से डायरेक्ट पॉइंट की डिस्टेंस अगर जेड हो, तो इस रिंग के द्वारा पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसे जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो है 1/4πε0 चार्ज ऑफ द रिंग डी क्यू इंटू ओ से पी तक की डिस्टेंस, जो कि यहां पर डी है और एक कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाय रिंग के सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट, जो कि सभी पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस सेम ही होगी क्योंकि पी पॉइंट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग के किसी भी पॉइंट से पी के डिस्टेंस का क्यू। सो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है किसी रिंग के कारण किसी एक्सियल पॉइंट पर। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसको मैं आई कैप से डायरेक्शन के लिए प्रेजेंट कर सकता हूं। सो डीई वेक्टर इस रिंग का पी पॉइंट पर इतना होना चाहिए। एक बात और ध्यान दें कि डी वेक्टर का जो वैल्यू हमने यहां पर लिखा है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एक रिंग के कारण किसी पॉइंट पर, किसी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम एक क्लिप में पहले ही तैयार कर चुके हैं। उस क्लिप में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी रिंग का टोटल चार्ज क्यू है और ये डिस्टेंस जेड और ये डी है, तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप होती है उसका वैल्यू 1/4πε0 क्यू इंटू डी अपॉन जेड क्यूब इंटू आई कैप वेक्टर से दिया जाता है। सो इस फॉर्मूले को हमने डायरेक्ट यूज किया है इस रिंग के लिए इस प्रॉब्लम में। अब अगर इस इक्वेशन में सिग्मा समेशन या इंटीग्रेशन यूज किया जाए तो हम इन सभी रिंग्स का नेट सम कैलकुलेट कर पाएंगे पी पॉइंट के लिए। और अगर नेट सम कैलकुलेट हो जाएगा तो वही इस चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क के कारण पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो। सो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डी क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि इस रिंग का चार्ज है। तो क्लियरली चूंकि ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो अगर ये डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो इस रिंग का चार्ज इस रिंग के एरिया 2πyd y को सिग्मा से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर इस रिंग का एरिया 2πyd y हो और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो इसका चार्ज 2πyd y इंटू सिग्मा होना चाहिए। इस dq की वैल्यू को अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई किया जाए तो dE वेक्टर आ जाएगा 1/4πε0 2πyd y इंटू सिग्मा d अपॉन जेड क्यूब आई कैप। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए
दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं इस इक्वेशन को तो मुझे इस लेफ्ट साइड में ई वेक्टर मिलेगा जो कि पूरे डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा पी पॉइंट के लिए, और सेकेंड साइड हमें मिलेगा 1/4πε₀ 2π σd एंड इंटीग्रेशन ऑफ ydy/z³। आई क्या? अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो हमें आउटकम मिल जाएगा। हमें सबसे पहले इस इंटीग्रेशन में y और z में से किसी एक वेरिएबल को हटाना होगा, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे तभी ये प्रॉब्लम आगे बढ़ पाएगी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में जो चित्र में दिख रहा है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो y स्क्वायर और d स्क्वायर का सम z स्क्वायर के इक्वल होगा, और अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो 2y dy का वैल्यू 2z tz के इक्वल होगा। यहां ध्यान दें d स्क्वायर एक कांस्टेंट है इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो माना जा रहा है। y dy की वैल्यू z dz इस इक्वेशन में अप्लाई करने पर हमें मिलेगा e वेक्टर इक्वल टू σ/2ε₀ d इंटीग्रेशन z dz/z³। आई क्या? और अब अगर जेड से जेड क्यूब की दो पावर कैंसिल करें, एक पावर कैंसिल करें, अगर जेड से जेड क्यूब की एक पावर कैंसिल की जाए तो ये जेड स्क्वायर बन जाएगा, और अब ये क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन dz/z² आई क्या? यानी z⁻²dz बन जाएगा, और फाइनल सॉल्व करने पर एक बार देखें कि क्या बनेगा इसका फाइनल आउटकम। तो अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो ये मुझे मिलेगा e वेक्टर इज इक्वल टू σ/2ε₀ d इंटीग्रेशन z⁻²dz। आई क्या? जो कि सॉल्व करने पर होगा σ/2ε₀ d इंटू -1/z। यहां पर z⁻²² का इंटीग्रेशन सॉल्व किया गया है जो कि z⁻²-1/-1 होगा जिसे -1/z लिखा गया है। इंटीग्रेशन लिमिट्स की अगर बात करें तो फाइनली इस क्वेश्चन को हमने z में कन्वर्ट किया है तो कंप्लीट डिस्क को कवर करने के लिए जो सबसे छोटी रिंग बनी है उसके लिए z की वैल्यू से शुरू करके सबसे बड़ी रिंग के z की वैल्यू तक हमें इंटीग्रेट करना होगा इसे। सो इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगी डी से लेकर जेड तक, जहां पर मैंने जेड या जेड डैश लिख लेता हूं मैं इसे, जहां मैंने जेड डैश इस पी पॉइंट से इस डिस्क की सबसे बड़ी रिंग की डिस्टेंस को डिफाइन किया है। सो इस बड़ी रिंग की सबसे बड़ी रिंग के लिए इस डिस्टेंस को जेड डैश से शो करने पर हम इस आंसर को डी से जेड डैश तक लिमिट दे सकते हैं। तो ये बन जाएगा σ/2ε₀ d -1/z′ + 1/d। सो ये आ जाएगा -1/z′ + 1/d, और d को शिफ्ट करने पर इनसाइड ब्रैकेट ये मिलेगा σ/2ε₀, d से 1/d 1 बन जाएगा और -d/z′। अब फाइनली यहां ध्यान दें कि d/z′ को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये इस डिस्क के सरकमफ्रेंस से किसी पॉइंट p को ज्वाइन कराने वाली लेंथ z′OP यानी d और इस डिस्क की रेडियस से बने हुए ट्रायंगल से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो अगर इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल OK और P आप यहां पर देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में आप अगर इस एंगल को थीटा माने, यानी अगर आप इस डिस्क के द्वारा P पर बनने वाले सेमी एंगल को थीटा कंसीडर करें तो इस थीटा के वर्ड्स में हम d/z′ को cos थीटा लिख सकते हैं। इसे cos थीटा से कन्वर्ट करने पर ये बनेगा σ/2ε₀ 1 cos θ। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू आएगा σ/2ε₀ 1 cos θ, और इसका डायरेक्शन होगा आई के। तो एक डिस्क अपने सेंटर से डी डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है वो होता है σ/2ε₀ 1 cos θ आई के। ध्यान दें यहां पर कि अगर इस फॉर्मूले में थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्लेस की जाए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के आउटकम मिल जाएंगे। जैसे अगर इस डिस्क से बहुत क्लोज किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हम थीटा की वैल्यू को 90 प्लेस कर सकते हैं, और उस कंडीशन में cos 90 जीरो होने के बाद यह आंसर σ/2ε₀ बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमको बहुत डिस्टेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो थीटा को 0 डिग्री पुट करके हम देख सकते हैं कि यह 0 वेक्टर आ जाएगा
इसका मतलब बहुत डिस्टेंट पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इग्नोरेबली स्मॉल यानी जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें एक ऐसी डिस्क के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो जिसका रेडियस इनफाइनाइट है यानी जो इनफाइनाइट डिस्क है, तो उस केस में भी थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री अप्लाई करके आप इससे आउटकम ले सकते हैं। तो उस केस में आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आई के, और आप देख पा रहे हैं कि यह आउटकम जो इनफाइनाइट डिस्क के लिए आया है यह वही आउटकम है जो तब आया था जब इस फाइनाइट डिस्क के बहुत क्लोज पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया गया था। तो यह बात समझने की है कि एक इनफाइनाइट डिस्क के कारण किसी जनरल पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एक फाइनाइट साइज की डिस्क के कारण बहुत क्लोज पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। तो आगे जब हम कैपेसिटर स्टडी करेंगे तो वहां पर हम इस फैक्ट को यूज करेंगे, जब हम दो फाइनाइट प्लेट को बहुत क्लोज रख करके उनके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम उस समय थीटा को 90 डिग्री प्लेस करके सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के रूप में एक फाइनाइट डिस्क के लिए यूज करेंगे। सो इस तरीके से बहुत सारी रिंग से बना हुआ सिस्टम मान के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।